हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरा यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से कई सारे यूट्यूबर एक ही कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि सर, मेरा अभी अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है और मेरे चैनल पे मुश्किल से 200 या 300 व्यू आते हैं या फिर 500 आते हैं, और कुछ का कहना तो ये भी है कि मेरे चैनल पे तो 40-50 हज़ार 100 व्यू आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। क्या मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे एड्स को इनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि सर, मेरा अभी अभी मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर मेरा सीटीआर हाई हो गया या मेरे चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होगी तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो ऐसे केस में मेरे चैनल पे व्यूज कम आ रहे हैं, क्या मेरे को एड्स को ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से और सही तरीके से समझाने वाला हूं। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरे को खुशी मिलती है। बात करते हैं, अगर आपके चैनल पे 1000 व्यू से कम आते हैं, क्या आपको अपने एड्स को ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूरी बात ध्यान से समझना और जो समझाना चाहता हूं उसी को समझना। यहां पे सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे एक लड़का है और वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसका मन है कि मेरे को जाना है फौज के अंदर, यानी कि मेरे को सोल्जर बनना है, ठीक है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा भी नाम रोशन होगा, मेरे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा और पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं, अपने भाइयों को पढ़ा सकूं, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकूं। उस सोल्जर को पता है कि मैं फौज में जा रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग भी होगी, मैं घर से दूर भी रहूंगा और मैं लड़ाई भी लड़ूंगा, देश के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार रहूंगा। और उसके दिमाग में कभी ना कभी ये भी जरूर रहता है कि हो सकता है लड़ाई में मैं शहीद भी हो जाऊं। तो इसका मतलब क्या हमें जॉब नहीं करेंगे? क्या हम सोल्जर नहीं बनेंगे? क्या हम वहां पे ट्रेनिंग नहीं लेंगे? क्या हम भर्ती नहीं करेंगे? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे यूट्यूब पे भी ऐसा ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका भी चैनल मोनेटाइज ऑन हो गया है और आपके चैनल पे कम व्यूज आ रहे हैं और आप डर रहे हो कहीं मेरा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना जाए, मेरा सीटीआर हाई ना हो जाए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। याद रखिए मेरे दोस्त, जो आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरा सबसे पहला चैनल था इसरा इंजीनियर, उस पे मेरे पे 70-80-100 या 150 व्यूज आते थे और मैंने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा था। आज तक उस पे कोई भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं हुई है। यूट्यूब पे बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं, उनका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, 200-300 व्यू उन्हीं के चैनल पे आते हैं, ठीक है। और क्या उनका सभी का चैनल इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से बंद हो गया? नहीं हुआ है। आपको बता देता हूं कि अगर किसी के 1000 या 2000 व्यूज आते हैं, क्या आप उसकी गारंटी ले सकते हो कि उसका चैनल कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, उसका कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं होगी? दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं सुबह ही उठता हूं, सबसे पहले ये चेक करता हूं क्या यूट्यूब की तरफ से कोई मेल तो नहीं आई। मेरे को भी डर लगता है कहीं मेरे साथ ऊपर वाला करे, किसी के भी साथ भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना हो। इसकी क्या गारंटी है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी है टेक्निकली सारा यूट्यूब चैनल पे नहीं हो सकती? क्या मैं काम ना करूं? क्या मैं अपने एड्स को ऑफ कर दूं? ये आपको समझना काफी जरूरी है। दोस्तों, कोई भी काम आप कर लो, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। चाहे आपके व्यूज कम आ रहे हैं, चाहे आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, आपको एड्स को इनेबल करो। अगर मोनेटाइजेशन का फायदा तभी तो है जब आप उसको ऑन करोगे। और दूसरी बात, व्यूज कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, यूट्यूब ने कभी नहीं कहा है कि आपके चैनल पे अगर 1000 से कम व्यू आ रहे हैं, 500 से कम आ रहे हैं या आपके चैनल पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं और आपने एड्स को जो है ना इनेबल मत करो, नहीं तो आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा या फिर परमानेंटली जो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाएगी। यूट्यूब ने कभी ये नहीं कहा है। यूट्यूब ने सिर्फ ये कहा है अगर आपके चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो रही है, इनवैलिड क्लिक हो रहा है, तब आपका चैनल डिसेबल हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे बता दूं कि जब वो बंदा फौज में होता है, काम कर रहा होता है, 1-2 साल काम करते करते उसको हो गया, मतलब फौज पे ड्यूटी करते करते हो गया, और वो अप्लाई करता है छुट्टी के लिए, सर मेरे को घर जाना है 1 महीने की, उसका बॉस कहता है कि आप घर चले जाओ, और तभी सीमा पे युद्ध हो जाता है, तो उसका बॉस उसकी छुट्टी कैंसिल कर देता है, ठीक है, उसको वहां पे जाना पड़ता है। अब वो
वहां पे वो लड़ाई में बच भी सकता है और वो जा भी सकता है, पर उसका कर्तव्य है काम करने का, अपनी ड्यूटी निभाने का। इसी तरह हमारा काम है YouTube पे वीडियो बनाने का। भाई YouTube से इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होगी या नहीं होगी वो तो यार YouTube को पता है, हमें तो सिर्फ काम करना है, हमें डरना नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप याद रखिए एक बात, जिस बंदे का चैनल मोनेटाइज हो जाता है YouTube उसको रिकमेंड ज्यादा करता है कि भैया अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो उसको जो है ना जोश देता है, मतलब एक पुश देता है कि आप काम करते रहिए और अब इनकम पे इनकम आप करते रहिए। याद रखिए, अगर कोई बंदा ये सोच के बैठा है कि मेरे चैनल पे जब 1000 व्यू होंगे या 1500 व्यू होंगे तभी मैं एड्स को इनेबल करूंगा, तो इसका मतलब है ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे हो। आपको पता है कि आपके चैनल पे 1000 व्यू आएंगे, आपको पता है कि 2000 व्यू आएंगे, फ्यूचर की बात कोई नहीं बता सकता आपको। और दूसरी बात, अगर किसी बंदे के 2000 या 3000 व्यू आ रहे हैं, क्या उसको पता है कि डेली मेरे 2000 3000 व्यू आएंगे? कभी उसके पास 300 व्यू भी आएंगे, कभी 400 भी आएंगे, कहीं पर उसकी वीडियो भी नहीं चलेगी। कई सारे यूट्यूबर ऐसे होता है 50-50 हजार सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पर किसी वजह से उसके जो चैनल है वो मतलब उसके व्यू है वो कम आ रहे हैं, तो क्या उसका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, यहां पे रिस्क तो आपको लेना ही है। कल ये मत कह देना कि भाई टेक्निकल इसरार भाई ने कहा था ऑन कर दो और आपने ऑन कर दिया, अगर आपका यूट्यूब चैनल चल गया तो टेक्निकल इसरार भाई तो वाह वाह सर जी वाह वाह आपने तो कमाल कर दिए। अगर किसी रीजन से कुछ गलत हो गया तो बोलेगा यार टेक्निकल इसरार ने ही कहा था कि 200 सब्सक्राइबर है इनेबल कर दो और वो सब मेरे को दोष करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने कहा है कि भाई फौज में तू हो जा और उस भाई के साथ शहीद हो गया या कुछ मिस्टेक होगी मिस हैपनिंग होगी, तो आप ये थोड़ी बोलोगे भाई तू नहीं कहा था कि यार फौज में चला जा, आज देखो मेरे साथ मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। तो ये गलत धारणा है, ये गलत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। हमारा काम है काम करना, मेहनत करना, ठीक है। आगे जो कुछ होगा देखी जाएगी यार। तो आप आज से ही अपने हिसाब से, मैंने तरीका बता दिया है, ऑन करना है या नहीं करना है वो आपको खुद डिसीजन लेना है। दोस्तों यहां पे मैं उम्मीद करता हूं सब जानकारी आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।